हेलो मिस, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ आपको? प्लीज प्लीज गेट अप। अरे कोई है इनके साथ? कौन है इनके साथ? सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अरे कार हटाना यार। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज प्लीज। हेलो, अरे नूडल्स बना रहा है क्या तू? दिखता नहीं है क्या? एक लड़की बेहोश हो गई है, अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मिनट चुप तो बैठो। इडियट। एक काम करते हैं, मैं आके हॉर्न बजाता हूं और आप आके यहां पे लड़की की मदद कीजिए, ठीक है? Nonsense. क्या हुआ? मिली बेबी मिल? अरे कहाँ, इतनी मुश्किल से तो तू मिली अभी मुझे। बाप रे बाप, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है ये, पता नहीं कहाँ की बेबी बहन। भाभी आपने सारी दुकानें चेक की? हाँ, बाथरूम दो बार, लेडीज बाथरूम। बवीना जो कसम है नहीं है, क्या करें, पता नहीं कहाँ गई होगी बेबी बहन। बा को फोन करें। बा को, बा का हाथ आएगा फोन में से, गला पकड़ कर पूछेगा आपको कहाँ है मेरी बेबी। बा को फोन करें। हाँ, फिर क्या करें? बेबी बहन, क्या करिए परवीना? अरे ऐसे चिल्लाते हैं क्या? अरे तो क्या करूं, ढूंढना तो पड़ेगा ना। ऐसे चिल्लाने से लग रहा है तो बेबी बहन को बेच रही है। बेबी बहन, बेबी बहन। एक काम करते हैं, पहले सब घर वालों को ढूंढते हैं, फिर सब मिलके ढूंढेंगे बेबी बहन को। चलो चलो, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। अरे लेकिन आप गई थी ना अभी बाथरूम में। बेबी बहन को ढूंढने गई थी प्रवीणा? हाँ तो होकर आना चाहिए था ना तब। टेंशन में कुछ याद रहता है? ठीक है जाइए, होकर आइए। और सुनिए, लेडीज में ही जाना। प्रवीणा मैं भी होकर आती हूँ। जीन्स 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 जीन्स। मेरे गट्टू महाशय को एक अच्छी सी जीन्स दिखाइए। गट्टू तू जीन्स देख, जो पसंद आए उसे पहन के दिखाना। पहन के दिखाओ? हाँ। अच्छा बोलिए, कैसी जीन्स दिखाऊं? पहनने वाली ऐसे 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 होता है ना पहनने। हाँ लेकिन एसिड वॉश में, फैंसी में। दुकान में, दुकान में। अच्छा वेस्ट? ईस्ट पार्ला ईस्ट। वेस्ट में तो हर्षद भाई ऐसा ऐसे थे ना, हर्षद भाई ऐसा ऐसा बाहर निकाल दिया हर्षद भाई को, घर में झगड़ा हो गया था ना, मैं छोटा था तभी, ऐसा ऐसा था मैं। आपकी साइज बताइए। छोटा था ना, छोटी साइज थी, इलास्टिक इलास्टिक मालूम आपको? अरे भाई अभी इसी वक्त ये आपकी जो कमर है ना कमर, उसकी साइज क्या है? 30 40 50। प्लीज प्लीज 50 50 प्लीज। भाई साहब ये इनकी साइज क्या है? ये साइज, इसमें ऐसा 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 होता है ना, ऐसा ऐसा, वो मेरी साइज वो है। बेबी बेन, बेबी बेन, बेबी बेन, कहाँ चले गए सब लोग? मोटा भाई, हाँ सुबोध भाई, सुबोध, प्रवीण भाई, सुबोध भाई, सुबोध भाई, सुबोध भाई, जल्दी जल्दी, सुबोध भाई, क्या हुआ? सुबोध भाई, वो बेबी बेन खो गई। क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या खो गई? खो नहीं गई हैं, सिर्फ मिल नहीं रही हैं बस। कहाँ खो गई, कैसे? वो प्रवीणा की वजह से। अरे नहीं नहीं, सारा दोष लीला भाभी का है। हाँ वो क्या हुआ ना, बेबी बिन टोपी सिलेक्ट करने में बहुत देर लगा रही थी, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने थोड़ा उनको कह दिया तो वो चली गई। लेकिन भाभी को मुझे समझा कर रोक लेना चाहिए था ना। नहीं लेकिन प्रवीणा, तो सारा दोष मुझ पर क्यों डाल रही है? लेकिन देखिए भाभी, आपका मूड खराब था, खराब था कि नहीं? नहीं मगर नहीं, मगर नहीं, अगर आपका मूड अच्छा होता तो आप मुझे रोक लेती, रोक लेती कि नहीं? हाँ मगर देखिए, फिर से मगर कह रही है, दोष इनका ही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमको देखना चाहिए था। Will you please stop it? बेबी किसकी वजह से खोई है बाद में डिसाइड करें, पहले उसे ढूंढें। हाँ बराबर है। सुबह ये कौन सी अच्छी है? जो भी पसंद आए वो पहन करके मुझे दिखाना कटू, ठीक है? पहन के दिखाऊं? हाँ आप लोग उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ, प्लीज। चलो चलो भाभी, यहाँ यहाँ। झाड़ू वाले भाई साहब? यस। यहाँ बालकृष्ण का मंदिर कहाँ है? क्या मंदिर? मंदिर मंदिर ओ मंदिर।
शॉप नंबर 37 में मिलता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मंदिर खरीदना नहीं है चाड़ू वाले भाई साहब, मुझे तो ये पूजा के फूल भगवान के चरण स्पर्श करवा के विसर्जित करने हैं। देखिए मैडम, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। लेकिन मानव के पापा ने तो कहा था कि है झाड़ू वाले भाई साहब। प्लीज आप मुझे झाड़ू वाले भाई साहब कहना बंद कीजिए। अरे थोड़ा मान तो देना चाहिए ना, सिर्फ झाड़ू वाला कहूंगी तो कैसा लगेगा। जाइए जाइए आप यहाँ से जाइए, यहाँ पर मंदिर वंदिर कुछ नहीं है। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ऐसा कीजिए आप, रुकिए मैं ही जाता हूँ। मीनाक्षी तुमने बेबी को कहीं देखा? वो झाड़ू वाले भाई साहब तो कह रहे थे कि यहाँ कोई मंदिर है ही नहीं। नहीं है, मंदिर है यहाँ पे, लेकिन तुमने बेबी को कहीं देखा या नहीं? मैं तो कब से मंदिर ही ढूंढ रही हूँ, इन फूलों को ऐसे विसर्जित नहीं कर सकती, पाप लगता है। हाँ हाँ, तुम मंदिर ढूंढो, मैं बेबी को देख कर आता हूँ। देखा देखा भाई साहब, बाहर दरवाजे पे 53% ऑफ लिखा है और अंदर चीजें कितनी महंगी बेच रहे हैं ये लोग। ए मोटा भाई, ए क्या कर रहे हैं आप? देखो ना प्रवीण, देखो ना, लूट मचा रखी है इन दुकान वालों ने, हर चीज के दुगने तिगुने दाम लगा रखे हैं। बाहर यही सारी चीजें वाजबी दाम में मिलती हैं। अरे लेकिन मोटा भाई क्वालिटी तो देखिए आप। अरे कहीं दिखी? अरे भाभी क्या? मोटा भाई चलते है ना, हमें यहाँ से कुछ लेना तो है नहीं। अरे लेना तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, लेकिन लूट मचा रखी है दुकान वालों ने। आप हैं करते रहिए। ए प्रवीण, प्रवीण महंगी, बहुत महंगी शॉप है, आप अंदर मत जाना। अरे मेरी सुनो तो सही। अरे क्या सुनू, मैं उनको सुना के आया हूँ, हर चीज के दाम तिगुन है, तुम अंदर मत जाना, बहुत महंगी शॉप है। अपना मुँह बंद करो और मेरी बात सुनो प्रवीण। हाँ क्या हुआ बोलो। बेबी बेन खो गई है। बेबी खो गई? यस। अरे ऐसे कैसे खो गई वो? अरे यानी अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ से गुजरी थी वो। बेबी यहाँ से गई थी? अरे तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना। जरा भी चिंता नहीं है बहन की। अरे मुझे क्या मालूम कि तब वो खो गई थी। मोटा भाई कहाँ है? मोटा भाई अंदर है। एक मिनट एक मिनट, आप अंदर मत जाइए, मैं बुला के आता हूँ, बहुत महंगी शॉप है। वो अंदर पर्स है। हाँ जाइए जाइए भाभी। अरे देखने दो भाभी को, बहुत बहुत ही घटिया है, ब्रांडेड नहीं है ना भाभी। अच्छा मैं एक मिनट में बुला के आता हूँ। आप अरे वो बेबी शायद आइसक्रीम पार्लर गई होगी। ये चलो चलो उधर जाके ढूंढो। चलो चलो चलो। अरे चलो। ए मोटा भाई। ए प्रवीण। मोटा भाई क्या हुआ? अब होगा, तू चल। मोटा भाई जल्दी चलिए, अर्जेंसी है। क्या हुआ? आप बाहर चलिए ना, मैं बताती हूँ। अरे ये साड़ी तो प्रवीण ठक्कर क्रिएशन। अच्छा इसीलिए मुझे मॉल में आने से मना कर रहे थे। प्रवीण तुम तो गए।